हेलो गाइस, आई एम आकाश गर्ग, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडर। कल हमने वीडियो में बात करा था क्या आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, उसके बाद हमें क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए या रोक देनी चाहिए, अगर कर दिए तो कैसे करनी चाहिए। उसके पहले आपको बोला था कि आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको ये जानना है हम अभी कैसे कर सकते हैं। देन मेरे पास बहुत मैसेजेस आए थे, आई ट्राई माई बेस्ट, जितना हो सका मैंने रिप्लाई करा है, बट कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे तो उस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस लेंगे और वीडियो के एंड में ये भी कवर करेंगे फिर कौन से ब्रोकर पे हमें ट्रेड करना चाहिए। उस ब्रोकर के बारे में मैंने पूरा बताया कैसे डिपॉजिट विड्रॉ हम कर सकते हैं, कहाँ का ब्रोकर है, क्या नाम है ब्रोकर का। सो वीडियो में ब्रोकर के बारे में मैंने सब कुछ बताया है, क्या उस पर ट्रेड हम कर सकते हैं, कौन कौन से पेयर्स हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वीडियो। सो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, जितने भी कॉमन क्वेश्चन है वो सब मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। और अगर चैनल पे पहली बार आए देन प्लीज सब्सक्राइब द स्टेप ट्रेडर्स एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, क्योंकि इस चैनल पे मैं फॉरेक्स एंड क्रिप्टो से रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट लाता रहता हूँ, बिटकॉइन के भी मूवमेंट्स पे अपडेट डालता रहता हूँ, कब हमें उसे बाय करना चाहिए कब हमें उसे नहीं करना चाहिए। इससे पहले मैंने एक बिटकॉइन की टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो डाली थी, इस पर बताया था कि अब हमें बिटकॉइन बाय करना है या नहीं करना है। उस पर मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा था कि बिटकॉइन वापस नीचे आएगा, वो ऊपर बस एक फेक मूव देने गया है और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। सो इस तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए स्टेप ट्रेडर्स को, और अगर वीडियो अब तक लाइक नहीं करी देन प्लीज लाइक दिस वीडियो। सो सबसे पहला क्वेश्चन, मैं एफटीएमओ में अभी विड्रॉ ले रहा था या फिर माय फॉरेक्स फंड में, तो अब मुझे क्या वहां पर कंटिन्यू रखना चाहिए, मुझे विड्रॉ लेते रहना चाहिए या फिर स्टॉप कर देना चाहिए। एंड सेम फॉर ऑक्टाएफएक्स से एक्सएनएक्स, जितने भी हमें ब्रोकर हैं हमारे जिस पर हम अभी ट्रेड कर रहे हैं या विड्रॉ ले रहे हैं। सो अगर आप इन पर ट्रेड कर रहे हो जैसे एफटीएमओ में, माय फॉरेक्स फंड जैसे किसी भी प्रोप्राइटर फर्म में, तो उस पर ट्रेड कंटिन्यू करते रहो, बट विड्रॉ थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेना, पूरा अमाउंट एक बड़ी अमाउंट में मत लेना, क्योंकि हो सकता है बड़ी अमाउंट पे जा रहा है जल्दी ही उनकी नजर जाए और छोटी अमाउंट को इग्नोर कर दें। सो आप अगर उन पर ट्रेड कर रहे हो तो कंटिन्यू कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। एंड सेम विद ऑक्टाएफएक्स एंड एक्सएनएक्स, अगर छोटी मोटी अमाउंट है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज जो ब्रोकर मैंने आपको बताया है वीडियो के एंड में आप उस पर जा सकते हो, आप उस पर स्विच कर सकते हो, वो काफी अच्छा ब्रोकर है, उसे 10 साल से ज्यादा हो गए हैं मार्केट में, यूके से रेगुलेटेड है एफसीए से, मैं भी उसमें खुद 3 साल से काम कर रहा हूँ, सो नो वरीज इन दैट। उस ब्रोकर के बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या ऑक्टाएफएक्स में हमें अभी कंटिन्यू रखना है ट्रेड या बंद कर देना चाहिए। सो अगर आपने नोटिस करा होगा इसकी ऑक्टाएफएक्स ने अपना लोगो तक बदल लिया है, वो अब अपने इमेज चेंज करना चाह रहा है, इससे कुछ ना कुछ चेंज करना चाह रहा है, बचना चाह रहा है। एंड आई हियर सम ऑफ माय सब्सक्राइबर आर नॉट गेटिंग द विड्रॉ फ्रॉम ऑक्टाएफएक्स। ऑक्टाएफएक्स कुछ अपने क्लाइंट्स को विड्रॉ नहीं दे रहा है, कुछ टीएनसीज लगा रहा है कि आपने स्कैल्पिंग करी है, आपने कुछ बड़ा अमाउंट में विड्रॉ मारा है या कुछ भी ऐसा करके वो विड्रॉ नहीं दे रहा है कुछ क्लाइंट्स को, कुछ क्लाइंट्स का हो सकता है, सभी की प्रॉब्लम ना हो। सो इसलिए आई सजेस्ट कि आप ऑक्टाएफएक्स पे मत जाइए, अगर आप ऑक्टाएफएक्स को अभी कर रहे हैं देन ट्राई करिए कि उसे जल्दी से जल्दी बंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर मैं फॉरेक्स में टैक्स देता हूँ जैसे क्रिप्टो करेंसी या किसी भी इनकम में, तो उसके बाद भी क्या वो लीगल है। सो यस गाइज, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस वो इलीगल है, क्योंकि उसमें आप टैक्स दे रहे हैं वो ठीक है, बट टैक्स के इनकम आप पे आ कहाँ से रही है, आपने फॉरेक्स में ट्रेड करा है इससे आपको इनकम हो रही है, उस चीज पे आपको इशू हो सकता है। बट रिमेम्बर, अगर आप कॉन्टिन्यू खाली इनकम ले रहे हैं, आप बाहर पैसा भेज नहीं रहे हैं, तो उसमें इशू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या हम कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑफ टैक्स में या कहीं पे भी। सो कॉपी ट्रेडिंग करिए आप चाहे गाइस, चाहे आप खुद ट्रेडिंग करिए, ट्रेडिंग इज ट्रेडिंग, आपने पहले डिपॉजिट करा है उसके बाद में आप ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद में विड्रॉ ले रहे हैं, सो डेट्स ऑल, आप ट्रेड तो कर रहे हैं ना, चाहे कैसे भी कर रहे हो, और डिपॉजिट भी कर रहे हैं, विड्रॉ भी ले रहे हैं। सो अगर आप ऑक्टाएफएक्स जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म्स पे आप कर रहे हैं, सो प्लीज अभी मत करिए, क्योंकि उसमें इश्यू है और वो आपको अभी विड्रॉ भी नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे एक यूट्यूब पर आया था कि क्या हम बिनोमो आई के ऑप्शन जैसे किसी भी ट्रेडर्स को ले सकते हैं, उससे विड्रॉ ले सकते हैं। सो ये मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया कि बिनोमो आई के ऑप्शन बाइनरी जैसे ट्रेडर्स हैं, जैसे ऑलम ट्रेड है, ये बाइनरी जैसे ट्रेडर्स हैं, इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो विड्रॉ नहीं देते हैं। ये 2018 में 19 में बहुत चलते थे, जब भी स्टार्टिंग में आए थे ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देते थे, बट अभी आज के टाइम पे इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं देते हैं जितना आपको लगता है। सो प्लीज गाइस, आई ऑल्सो सजेस्ट यू कि इनमें बाइनरी में ट्रेड मत करिए, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप फॉरेक्स ब्रोकर पे जाइए, जैसे एक्सएनएक्स हो गया, या फिर जो मैं अभी एक और नया ब्रोकर रिकमेंड करूंगा इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम किस पे ट्रेड कर सकते हैं, आप उस पे स्विच करिए, आप उस पे ट्रेड करिए, सेम फॉरेक्स पेयर है, सेम लेवरेज है, एवरीथिंग सेम है, बट बाइनरी की जगह वो फॉरेक्स में है। सो बाइनरी ट्रेडर्स को मैं अभी यही सजेस्ट करूंगा कि अभी बाइनरी ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, आप फॉरेक्स में आ जाइए। अब इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम क्रिप्टो से डिपॉजिट एंड विड्रॉ लेते हैं तो क्या उसमें भी हमें इश्यू हो सकता है। सो इट्स डिपेंड अप टू यू एंड योर ब्रोकर कि क्या वो ब्रोकर खाली क्रिप्टो ही लेता है
क्या वो बैंक ट्रांसफर NEFT UPI IMPS ये सारे भी लेता है? अगर लेता है तो हाँ हो सकती है, क्योंकि उस बैंक में उस ब्रोकर के अकाउंट में जो पैसा जा रहा है आपके थ्रू तो क्रिप्टो के थ्रू जा रहा है, बट ऐसे और भी क्लाइंट्स हैं जो बैंक का यूज कर रहे हैं, IMPS का यूज कर रहे हैं, सो गवर्नमेंट ट्रैक करेगी कि ये वाले क्लाइंट्स इस ब्रोकर पर ऐसे IMPS से दे रहे हैं, सो मतलब ये इंडिया में डील कर रहा है, तो वो उस दूसरे क्लाइंट के थ्रू आपके ब्रोकर को पकड़ सकती है, उस पर नजर रख सकती है। सो इसलिए अगर आपका ब्रोकर बैंक की IMPS भी अगर एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद में भी आपको ब्रोकर को यूज नहीं करना चाहिए, इवन दो अगर आप अपने लिए क्रिप्टो करेंसीज का यूज कर रहे हैं, अगर आपका ब्रोकर बैंक ट्रांसफर NEFT वगैरह देता है तो उसे भी एक यूज नहीं करना चाहिए। सो अभी कौन सा ब्रोकर है जो हम यूज करना चाहिए वो हम वीडियो के अभी एंड में बात करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स के बाद में, उसमें अकाउंट ओपनिंग कैसे करना है, कितना ईजी है और क्या क्या उसमें स्टेप्स हैं, वो सब मैंने इसमें कवर करे हैं। सो वीडियो में पूरा बने रहिए, अंत तक सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर हम FTM माइनस फॉरेक्स फंड जैसे प्रोप्राइटरी फॉर्म्स अगर हम विड्रॉल लेते हैं तो उसमें भी इश्यू है क्या? सो एज पर RBI गाइडलाइंस उन्हें FTMO से इशू है, तो आप अगर FTMO को यूज कर रहे हैं तो ट्राई करिए उसे स्टॉप करने का, एंड इवन दो अब मार्केट में उससे भी अच्छे ब्रोकर्स, उससे भी अच्छे प्रोप्राइटरी फॉर्म आ गए हैं जो हमें सैलरी भी देते हैं, इवन दो हम ट्रेड कर रहे हैं या नहीं अपने लाइव अकाउंट में, वो सैलरी रेंज कर सकते हैं हमारे $765 तक। इसके बारे में मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था और इसके बारे में मेरे पे काफी सारे क्वेश्चन आए थे, तो आई ट्राई कि इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊँ, उस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करूंगा कि कौन सा प्रोप्राइटर फॉर्म है, हमें कब सैलरी मिलेगी, कितनी मिलेगी और क्या क्या उनकी बाकी चीजें हैं। सो इसलिए वीडियो में और चैनल पे बने रहिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कराया देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सकता है मैं वो वीडियो एक दो दिन में लाने का ट्राई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैं अभी डेमो पे ट्रेड कर रहा था, अब मैं रियल पे शिफ्ट होने वाला था, तो अब मैं हूँ रियल पे शिफ्ट या फिर नहीं हूँ? सो उसके लिए ऑप्शन है कि आप हो सकते हैं, बट अभी ऑक्टाफेक जैसे प्लेटफॉर्म्स को चूज मत करिए, आपके लिए एक जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो है इन्फिनॉक्स, आप इन्फिनॉक्स पे हो सकते हैं। इन्फिनॉक्स UK से FCA से रेगुलेटेड है, इसकी स्प्रेड भी बहुत कम है, 2 से 3 pip की इसकी मैक्सिमम स्प्रेड है करेंसीज में, और ये बहुत अच्छा ब्रोकर है, इस पर मैं खुद 3 साल से काम कर रहा हूँ, इसे 10 साल से ज्यादा मार्केट में हो गए हैं, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसके एजेंट्स इंडिया में हैं, आपको कोई भी दिक्कत आती है अकाउंट ओपनिंग में, डिपॉजिट में, विड्रॉ में या किसी भी चीज में, आप इनके क्लाइंट से डायरेक्ट फोन पर बात कर सकते हैं। कोई भी ऐसा ब्रोकर नहीं है मेरे नॉलेज में अभी इस 5 साल के करियर में जो इस तरह की इतनी अच्छी सर्विस देता है, जिसके इंडियन क्लाइंट्स हैं, आप डायरेक्ट उनसे कॉल करिए आपको कोई भी इशू होता है तो, आप ऑक्टाफिक्स पे, एक्शनएक्स पे या किसी भी ब्रोकर पे जाते हैं, उनका सिर्फ एक चैट ऑप्शंस होता है, चैट पे हम बहुत टाइम लगता है और कई बार वो कनेक्ट भी नहीं होते हैं, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होने में बहुत टाइम लग जाता है, वो टिकट रेज करते हैं, टिकट रेज में 1 दिन 2 दिन कई बार लग जाते हैं हमारे, कुछ अगर इशू विड्रॉ में अटक जाता है कुछ भी होता है तो, बट इन्फिनॉक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्फिनॉक्स में आपको कोई भी इशू हो आप डायरेक्ट उनके एजेंट को फोन करिए, उनके सपोर्ट को फोन करिए, वो आपका जो भी इशू हो एकदम रिजॉल्व कर देंगे। सो अगर आपको इन्फिनॉक्स ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए हुए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर अकाउंट बना सकते हैं, बट रिमेंबर गाइस वो अकाउंट बनाना बहुत डिफिकल्ट है, आप देख सकते हैं इस पे कि क्या क्या उसमें इश्यूज हैं, आपको अपने इनकम दिखानी पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीजें दिखानी पड़ेगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसी चीजें, सो वो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, आप या तो वहां से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। सो गाइस जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे उस पेज पे, यहाँ पे आपको दिखाएगा प्रोफाइल कंप्लीट 0% है और ये MT4 के लिए आप चूज करेंगे यहाँ पे, फिर इसके नीचे आप डिटेल्स सारी भरेंगे, यहाँ पे मैं भी वो दिखा रहा हूँ आपको बेसिक डिटेल्स कैसे भरनी है, बट इसमें कोई भी मिस्टेक मत करिएगा, अगर हो जाती तो उसमें करेक्शन में फिर इनको सपोर्ट को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, उसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, बट डोंट वरी यहाँ पे मैं आपको भी बता रहा हूँ अगर आप मेरे लिंक से जाते हैं तो आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नाम, ईमेल आईडी, अपना नंबर वगैरह सब डालेंगे, करेंसी डालेंगे आप USD और इंग्लिश लैंग्वेज कर देंगे आप नेक्स्ट कर देंगे। जब आप नेक्स्ट कर देंगे तो आप फिर इस पेज पे आ जाएंगे, ये दिखाएगा आपने एक पेज भर दिया है, अब 15% प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे आप अपनी नेशनलिटी डालेंगे इंडिया, उसके बाद में डालेंगे नो आई डोंट हैव ड्यूअल नेशनलिटी, ये पूछ रहा है कि आपके पास इंडिया के अलावा किसी और कंट्री की भी नेशनलिटी है, यहाँ पे आप नो कर देंगे, ऐसे ही आप सेकेंड ऑप्शन पे भी नो कर देंगे, फिर यहाँ पे आप करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आप वो डाल देंगे, मैंने अभी रैंडमली डाल रखी है ये मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको डाल रखी है ये। फिर आप अपने प्लेस ऑफ बर्थ में यहाँ पे इंडिया डाल देंगे, यहाँ पे काफी सारी कंट्रीज हैं, यहाँ पे आप अपने इंडिया लिखेंगे आ जाएगा, फिर यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे, नेक्स्ट कर देंगे तो ये पेज भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपकी प्रोफाइल 30% कंप्लीट हो जाएगी।
अब ये जो वाला पेज है, ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसमें बिल्कुल भी एरर मत करिएगा, अगर गलती हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो इसलिए आई एम अगेन सेइंग कि अगर आपको अकाउंट खुद नहीं बनाना है, आपको डर लग रहा है या रिस्क लग रहा है, सो डोंट वरी, आप इनके एजेंट से बात कर सकते हैं, वो जस्ट आपको आईडी मांगेंगे और वो आपका अकाउंट खोल कर दे देंगे सेम डे में। देन यू कैन ट्रेड इन डेमो और इन रियल अकाउंट विद जस्ट डिपॉजिट। सो अगर आप इस मेरे लिंक से भी जाते हैं तो भी यहाँ पे इस वाले पेज पे आएंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एम्प्लॉय स्टेटस में सेल्फ एम्प्लॉयड। मेक श्योर गाइज कि आप यही लिखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप सब में कंफ्यूज मत हो जाइएगा वरना दिक्कत आ सकती है। सो सेल्फ एम्प्लॉयड के बाद में करंट ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री में आप अदर्स कर दीजिए, चाहे आप जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हो, तो आप यहाँ पे अगर ये चीज करेंगे तो सही रहेगा। और इसके बाद में सेल्फ एंड बिजनेस ओनरशिप, ये सब कर देंगे जैसा इस फॉर्म में आपको दिख रहा है। देन उसके बाद में वैल्यू ऑफ सेविंग एंड लिक्विडिटी एसेट, सो यहाँ पे भी आप 0 to 5,000 कर देंगे, तीनों में 5,000 तक ही करेंगे। सो सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हैं, बट आप सबसे पहला करेंगे। देन उसके बाद में पूछेगा आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पे लेस देन 1 ईयर कर देंगे। आपका ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप स्पेकुलेशन कर देना, और रिस्क टॉलरेंस में आप यहाँ पे फर्स्ट वाला एक्सेप्ट कर लेना। आप एक बार पढ़ लेना, ये आपको सही लगता है तभी करना, हो सकता है कि आपके लिए चीज गलत हो जो मैं बता रहा हूँ, बट ये बेसिक है फॉर्म फिलअप करने के लिए। सो ऐसे आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, इसमें फिर आप नेक्स्ट करेंगे अगर यहाँ पे, तो आपके अगले पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत और ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछेगा। और जो प्रोफाइल हमारी अभी 30% कम्प्लीट है, ये अब देखो 40% हो गई है, 45%। इस तरह हम यहाँ पे सारे डिटेल्स डालते जाएंगे, वेरीफाई करते जाएंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। सो इसे बहुत केयरफुली करिएगा। आई एम अगेन सेइंग कि अगर एक बार दिक्कत आ गई इसमें, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा अकाउंट ओपन होने में, हो तब भी जाएगा इशू, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। आप फिर मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे या फिर इनके इन्फिनॉक्स के एजेंट को कॉन्टैक्ट करेंगे, तो वहां से वो सॉल्व कर देंगे। बट अगर आप वहां से नहीं कर सकते हैं तो नो वरीज, आप जस्ट मुझे टेलीग्राम पर ये मैसेज करिए कि इन्फिनॉक्स पर अकाउंट खोलना है, उनके एजेंट का कॉन्टैक्ट दे दीजिए, देन I will give you the contact number of the Infinox agent. उनके सपोर्ट का मैं आपको कॉन्टैक्ट दे दूंगा टेलीग्राम पे। आप उन्हें फोन करिए, आप उन्हें अपने डॉक्यूमेंट सेंड करिए और वो आपका अकाउंट खोल देंगे। अब इसके बाद में कि हमें उस पर डिपॉजिट एंड विड्रॉ कैसे करना है, अब वो देखते हैं। सो गाइज, ये डिपॉजिट एंड विड्रॉ सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ USDT के थ्रू करते हैं। सो आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे या फिर ये बोलेंगे, क्रिप्टो के थ्रू तो हम XNX में या फिर बाकी सारे ब्रोकर्स हम उसमें भी कर सकते हैं, तो हम वाई वी शुड चूज इन्फिनॉक्स, हम इन्फिनॉक्स को ही क्यों चूज करें जब हमारे पास XNX में अकाउंट है, XNX में हम काम कर रहे हैं, हमने कभी सुना भी नहीं है इन्फिनॉक्स के बारे में। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने कभी पहले सुना भी ना हो इन्फिनॉक्स के बारे में। इसका रीजन ये है कि उन्होंने कभी भी अपना ओपन लेवल पे ऐसा कभी प्रमोशन नहीं करा जैसे XNX का होता है या फिर OctaFX का, किसी भी ब्रोकर का होता है। वो सब साइलेंटली काम करते हैं, वो कोई भी बैंक में ट्रांजेक्शन अवॉइड करते हैं। सो इसलिए इजीली है, आप उनके डीलर से बात करिए, उनके सपोर्ट पे बात करिए और उनसे डायरेक्ट अकाउंट खुलवा लीजिए। अगर आपको उसमें अकाउंट खुलवाना है, देन यू कैन जस्ट मैसेज में टेलीग्राम कि आपको अकाउंट खोलना है और मैं आपको उनके एजेंट का कॉन्टैक्ट दे दूंगा, एंड देन यू कैन जस्ट ओपन द अकाउंट। और एल्स अगर आपको खुद भी खोलना है, खुद भी खोल सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक से, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है, आप उनसे भी अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा गाइस, मिनिमम डिपॉजिट $10 का है इसमें, एंड मैक्सिमम लेवरेज $500 तक की है। सो अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इन शॉर्ट सबसे पहले कि हमारा कॉल सपोर्ट देता है, तो कोई भी ब्रोकर नहीं देता आपको, ना ही XNX, ना OctaFX, FXCM, ICI, कोई भी आपको नहीं देता है, तो इसके लिए आपको कॉल सपोर्ट मिल जाएगा आपको कभी भी कोई इशू होता है तो। सेकंड ऑप्शन कि इसकी लो स्प्रेड है, ठीक है, 2 से 3 पिप में इसकी करेंसीज एंड गोल्ड सारे आ जाते हैं। थर्ड कि इनका फास्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉल है, एकदम से आप क्रिप्टो करेंसी से करेंगे वो सेम डे आपके अकाउंट में 1-2 घंटे में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, चाहे आप डिपॉजिट करें या विड्रॉ करें। उसके साथ में ये FCA यूके से रेगुलेटेड है, तो उसमें कोई भी चांसेस नहीं है, आप इसमें बेफिक्र होके एकदम इसमें आप कर सकते हैं ट्रेड। सारे इसमें पेयर्स अवेलेबल हैं, गोल्ड करेंसीज, इंडेक्सेस, और 500 तक की लेवरेज देता है। मिनिमम डिपॉजिट भी आप इसमें $10 से स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट स्टार्ट ट्रेडिंग विद दिस ब्रोकर। सो इस वीडियो में इतना ही, बट अगर अभी भी आपके पास कोई भी डाउट है, देन प्लीज राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स और आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कुछ ज्यादा क्वेश्चंस है, देन आई विल ट्राई कि एक और वीडियो बनाई जाए, उस पर सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं।
सो डेट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई देन प्लीज लाइक कर दीजिए, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर मैं फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट लाता रहता हूँ एंड बिटकॉइन के फेक डंप एंड पंप से भी बचाता हूँ, उसकी भी रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। एंड जितने भी आपके ट्रेडर्स फ्रेंड हैं उसके साथ वीडियो शेयर कर दीजिए, सो डेट उन्हें भी पता लगे इस ब्रोकर के बारे में कि वो कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एंड इस चैनल पर मैं ट्राई करूंगा कि कौन सा ऐसा प्रोप्राइटर फॉर्म है जो हमें रेगुलर इनकम देगा एज अ फिक्स सैलरी विद प्रॉफिट्स, हमें लाइव अकाउंट में प्रॉफिट्स के साथ में फिक्स सैलरी कौन सा ऐसा ब्रोकर देगा, उसकी वीडियो मैं भी जल्दी लाऊंगा। सो उसके लिए भी बने रहिए सब स्टेप ट्रेडर्स के साथ। थैंक यू।